हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सीजीपीएससी मोबाइल कोर्स ऑफ कॉम्पिटिशन कम्युनिटी। मैं हूं निकिता प्रफुल्ल खान और भारतीय इतिहास की आज इस क्लास में हम मगध साम्राज्य के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं मौर्य वंश। जी हाँ, यहाँ पे आप टाइटल देख रहे हैं आपके मौर्य वंश फर्स्ट, बिकॉज ये वाले टॉपिक को हम मौर्य काल को हम दो लेक्चर्स के जरिए पढ़ेंगे। पहले लेक्चर में हम मौर्य वंशी राजाओं के अबाउट्स पढ़ेंगे, उनके बारे में, उनके शासनकाल में उन्होंने क्या क्या कार्य किए, हम पहले आज के लेक्चर में वो पढ़ेंगे। और जो इसका पार्ट टू होगा, मौर्य वंश पार्ट टू, उसमें हम मौर्यकालीन समाज, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, कला इत्यादि पर नजर डालेंगे। दोनों ही चीजें आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। देखिए, मगध काल के अंतर्गत मौर्य काल या मौर्य वंश पहला ऐसा राजवंश था जिसके शासनकाल में भारत में एक राजनीतिक एकरूपता आई, जो राजनीतिक प्रणाली है उसमें एकरूपता आई और अखिल भारतीय साम्राज्य स्थापित हुआ। भारत का अगर राजनीतिक एकीकरण बोलेंगे तो आप कह सकते हैं कि इसी साम्राज्य के बाद से या इसी राजवंश के बाद से ही शुरू हुआ। राजनीतिक एकीकरण का श्रेय प्रथम बार अगर किसी वंश को जाता है तो वो मौर्य वंश को ही जाता है। इसके पहले तक मगध तक ही लिमिटेड था, वहीं तक ही सीमित था। मगध के पैर जो पूरे भारत में पसरे उसका श्रेय मौर्य वंश को जाता है। ठीक, तो राजनीतिक एकरूपता आई, अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना, तो इस लिहाज से मगध साम्राज्य के अंतर्गत ये मौर्य वंश सबसे पहला महत्वपूर्ण वंश। ठीक, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें इतना कुछ इसके बारे में पढ़ना इसलिए है क्योंकि इस वंश के बारे में हमें मल्टीपल सोर्सेस से पता चलता है। इस वंश की जानकारियां हमें कई स्रोतों से मिलती है। जैसे कि अगर मैं चार पांच स्रोतों की बात करूं जहां से मौर्य वंश के बारे में हमें जानकारी मिलती है, तो मौर्य वंश के समय ही मौर्य वंश की नींव डालने वाले व्यक्ति थे चाणक्य या कौटिल्य। उनकी जो सबसे फेमस किताब है द बेस्ट ट्रीटीज ऑफ पॉलिटी इन इंडिया, जिसका नाम है अर्थशास्त्र, वो इसी समय लिखी गई, तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र। दूसरा, इन्हीं के समय एक यूनानी विद्वान ने भारत में आकर भारत के उस समय के तात्कालिक इतिहास को लिखा था और वो थे मेगस्थिनीस। तो मेगस्थिनीस की किताब इंडिका, तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगस्थिनीस की इंडिका, ये दो प्रमुख स्रोत हैं जिसकी वजह से इस समय का इतिहास बेहद क्लियर है। सारी छोटी बड़ी पहलुओं पर इतिहासकारों को जानकारी प्राप्त है इन दोनों किताबों की वजह से। उसके अलावा बहुत सारे बौद्ध धर्म ग्रंथों के जरिए हमें इस काल के बारे में पता चलता है, क्योंकि अशोक जो है वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और उनके ऊपर कई सारे बौद्ध धर्म ग्रंथ लिखे। दीप वंश, महावंश, इससे हमको इनकी जानकारी मिलती है। वायु पुराण जो है वो भी मौर्य वंशी शासक के बारे में ही लिखा गया है। उसके अलावा अगर आप विषाद की मुद्रा राक्षस देखें तो वो भी मौर्य वंश के बारे में बताती है। उसके अलावा अशोक के अभिलेख तो है ही, अशोक के गुहा लेख, स्तंभ लेख या फिर शिला लेख, इन सभी के जरिए अशोक और उसके पहले और बाद के राजाओं के बारे में काफी कुछ पता चलता है। तो अगर मैं समराइज करूं तो मौर्य वंश के समय की जानकारी के बहुत सारे स्रोत हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगस्थिनीस की इंडिका, अशोक के अभिलेख, दीप वंश, महावंश, वायु पुराण, विषाद की मुद्रा राक्षस इत्यादि। उसके अलावा कई सारे मेगस्थिनीस के अलावा कई सारे विदेशी यूनानी खासतौर पर विद्वानों ने मौर्य काल के बारे में काफी किताबें लिखी। तो देखिए, इतिहास के वो पन्ने हमेशा इम्पोर्टेंट रहते हैं जिन पन्नों के बारे में हमें जानकारियां भी प्राप्त है। ये चीज आप लिख कर ले लें कि आपके एग्जाम के लिहाज से इतिहास का वो हर हिस्सा इम्पोर्टेंट होगा जिस हिस्से के बारे में हमारे पास स्पष्ट जानकारी या काफी ज्यादा जानकारी उपलब्ध है। ठीक है, वो किसी भी जरिए से। इसके पहले का इतिहास क्योंकि बहुत ज्यादा स्पष्ट रूप से हमें पता नहीं है, इस वजह से महत्व के लेवल के हिसाब से, इम्पोर्टेंस के लेवल के हिसाब से देखें तो कब इम्पोर्टेंट। इसके बाद का इतिहास मौर्य काल, गुप्त काल, ठीक है, उसके बाद जब मध्य काल में दिल्ली सल्तनत और मुगल आते हैं तो उस समय भी कई किताबें लिखी गई, कई इमारतें बनाई गई, कई लेख, कई ताम्रपत्र आए जिसकी वजह से वो हिस्ट्री बेहद क्लियर है। और जो हिस्ट्री का पार्ट क्लियर है वही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, ये हमेशा दिमाग में रखें।
मौर्यवंश के साथ भी यही है कि इतने सारे स्रोतों के जरिए हमें जानकारी प्राप्त है और इससे पता चलता है कि साहित्य का भी अच्छा खासा इस समय विकास हुआ था, काफी कुछ लिखा गया था और उन साहित्यिक स्रोतों से पता चलता है कि प्रशासनिक जो ढांचा था इस समय का वो अब तक का यानी मगध के इस टाइम तक के उनका सबसे बेहतरीन ढांचा था। ठीक है, इस वजह से मौर्यवंश काफी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए और हम इसे दो हिस्सों में इसलिए पढ़ रहे हैं। आज का जो लेक्चर है वो काफी ज्यादा फैक्चुअल ओरिएंटेड होगा। अगर आप प्रीलिम्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो फिर लेक्चर आपके लिए सफिशिएंट होगा, लेकिन अगर आप मेंस प्रिपेयर कर रहे हैं तो फिर इसके दोनों ही लेक्चर्स आपको जरूरी होंगे आंसर्स। आज के लेक्चर आपको मेंस में किस तरह से अटेंड करेगा, अगर किसी राजा के ऊपर लेख लिखने की बात आती है या राजा की किसी नीति या किसी आर्किटेक्चर या किसी पॉलिसी या किसी भी चीज जो उनके समय में घटा उसके ऊपर लेख लिखने आता है डिटेल्स पूछता है तो फिर आपको राजा के बारे में ये जो 8-10 पॉइंट्स मैं बताऊंगी वो इम्पोर्टेंट वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेंगे। और इसका जो दूसरा पार्ट होगा अगला वाला उसमें प्रशासन समाज इनके ऊपर लेख लिखने आता है मेंस में तो वो आपको अलग हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर ज्यादातर फैक्चुअल है तो लेट अस स्टार्ट विद मौर्यवंश। पहले तो इसमें इनके राजाओं में और इनके बारे में बढ़ने से पहले इसका बैकग्राउंड देख लीजिए। हमने लास्ट क्लास में मगध काल पढ़ा था और उसको हमने एंड किया था नंद वंश के धनादन से और उसी टाइम मैंने आपको बताया था कि उस समय की तात्कालिक राजनीतिक जो हालात थे वो कुछ ऐसे थे जिससे नंद वंश अचानक खत्म हुआ और मौर्य वंश आया। तो मौर्य वंश अस्तित्व में कैसे आया उसके पीछे 2-4 बातें हम समझ ही पाए। हमने पढ़ा था कि जब धनानंद भारत का मगध का शासक था उस समय भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ। अब सिकंदर की डिटेल आक्रमण को तो आप जब विदेशी वंश पढ़ोगे तो सिकंदर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ेंगे कि सिकंदर कहां पर आया किससे लड़ा वो हम अभी नहीं करेंगे। बहरहाल आप इतना समझिए कि सिकंदर का आक्रमण भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर हुआ जो कि उस समय तक्षशिला कहा जाता था। वहां के राजा आम्पी से पहली बार युद्ध हुआ, भारतीय राजा आम्पी थे जिनसे युद्ध हुआ सिकंदर। तो कहा जाता है कि जब सिकंदर का आक्रमण भारत पर हुआ तो उस समय तक्षशिला के एक बहुत ही प्रसिद्ध गुरु थे और जिनका नाम था कौटिल्य। उन्हें हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, उन्हें हम विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। तो उस समय तक्षशिला के कौटिल्य चाणक्य विष्णुगुप्त को इस बात का आभास हुआ कि सिकंदर भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा बनकर आया। उत्तर पश्चिमी एरिया में आम्पी को हराने के बाद वो भारत के सभी एरियाज को कैप्चर करने के लिए आगे बढ़ सकता है और उस समय भारत का सबसे शक्तिशाली अगर कोई साम्राज्य था तो वो मगध ही था। मैं बात कर रही हूँ धनानंद के साथ। आपको बताया था मैंने कि महापद्मानंद जिसे गुरुसेन कहा जाता है उसके पास बहुत बड़ी सेना थी। तो उस समय के हालात भी ऐसे थे, मौर्य साम्राज्य की पहले की बात कर रही हूँ कि उस समय भी मगध बहुत शक्तिशाली था उस सेना की वजह से। तो जब चाणक्य को ये लगने लगा कि सिकंदर नामक एक बड़ा खतरा भारत के अंदर आ सकता है तो वो तक्षशिला से आए मगध समय के मगध राजा धनानंद से मिलने के लिए, उन्हें इस खतरे से आगाह करने के लिए कि सिकंदर की फौज बढ़ रही है, आप रेडी रहिए और भारत को सिक्योरिटी दीजिए। कहीं ना कहीं वो एक उम्मीद लेकर आए थे धनानंद के पास कि वो एक बहुत बड़ा शक्तिशाली और एक अच्छा राजा है और सिकंदर के खतरे से वो भारत को बचाए तो भारत की सुरक्षा का ये लेकर के वो धनानंद के पास आए। लेकिन जब वो मगध में आए तो कहा जाता है कि मगध के राजनीतिक प्रशासनिक सामाजिक हालातों को देखकर चाणक्य काफी दुखी है। जिस तरह की बातें उन्होंने सुन रखी थी वहां दूर तक्षशिला में कि भाई मगध एक बहुत ही समृद्ध साम्राज्य है, बहुत शक्तिशाली है, वहां लोग बहुत खुश है, वो सारी जो उनकी कल्पनाएं थी वो टूट गई। उन्होंने देखा कि मगध साम्राज्य काफी शक्तिशाली तो है ही लेकिन उस समय वहां के लोगों के जो हालात थे वो बहुत बुरे थे। वो पूरी तरह से मगध साम्राज्य को उन्होंने इस तरह से आका कि धनानंद के राज्य में भ्रष्टाचार व्याप्त था। धनानंद एक भ्रष्ट राजा था, पूरी तरह से अपनी शक्ति के मद में डूबा हुआ रहता था, उसे केवल और केवल पैसों से मतलब हुआ करता था, लोगों पर बहुत अत्याचार करवाता था। ये सारी चीजें जब वो मगध का भ्रमण कर रहे थे तो उनको देखने को मिली कि धनानंद के जितने अफसर होते थे अधिकारी होते थे वो लोगों को प्रताड़ित किया करते थे, उनसे कर वसूला करते थे,
अत्याचार बेहद ज्यादा था। तो ये सारी चीजें देख करके जो चाणक्य का एक तरह का कल्पना थी कि भाई धनानंद विल प्रोटेक्ट इंडिया, वो कल्पना उनकी चूक गई। ठीक, अब वो मतलब उनको ऐसा था कि शायद मैं सही जगह पर नहीं आया। बहरहाल वो गए धनानंद से फिर भी सुनी हुए, उन्होंने सिकंदर की बात उनको करनी थी। लेकिन चाणक्य जब धनानंद से मिले तो पहले धनानंद के सामने उन्होंने उनके राज्य में जो कुछ घट रहा था उन बातों को रखा, ये सोचकर कि हो सकता है कि राजा तक ये बातें पहुंच ही ना रही। उस टाइम तक उनको ये नहीं पता था कि धनानंद बहुत भ्रष्ट है, उनको ये लग रहा था कि उनके मंत्री उनके अधिकारी भ्रष्ट हो चुके हैं, वो बहुत अत्याचारी हो चुके हैं। तो वो जो भी उसके राज्य में घट रहा था वो सारी बातों को उसने धनानंद को बताया कि भी आपके राज्य में ऐसा ऐसा हो रहा है, सिर्फ अवगत कराने क्योंकि आप इस चीज पर नजर रखिए, इसको कंट्रोल करें। और एक ब्राह्मण एक गुरु के तौर पर उन्होंने सजेशंस दे दिए कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको इस पर नजर रखनी चाहिए। तो धनानंद के ऑर्डर्स पर जब अधिकारियों ने चाणक्य को धक्के मारकर बाहर निकाला तो इस वजह से उनके केश खुल गए, उनकी जोड़ी जोड़ी खुल गई। इस बात को चाणक्य ने अपने अपमान के रूप में लिया और वहीं पर एक प्रण लिया कि जब तक धनानंद जैसे भ्रष्ट राजा को पद से हटाकर मैं एक योग्य शासक को मगध की गलती पर नहीं बैठाता तब तक मैं अपने केश नहीं मारूंगा। ये प्रण लेकर उन्होंने मगध में आम जनों में ही अपनी जो खोज है वो शुरू की, एक योग्य व्यक्ति की जो मगध के राजगद्दी पर बैठने के काबिल हो। और वही उनकी मुलाकात हुई चंद्रगुप्त मौर्य से। एक माँ के साथ रहने वाला एक छोटा 15-16 साल का बच्चा था। अब देखो ये अलग अलग डॉक्यूमेंट्रीज में अलग अलग किताबों में आयु के बारे में अलग अलग बातें लिखी रहती है। कहीं लिखा रहता है कि चाणक्य तब उनसे मिले जब चंद्रगुप्त मौर्य छोटे थे, कहीं लिखा रहता है वो 15-16 साल की किशोर, कहीं लिखा रहता है बड़े थे। बहरा ये चीज एकदम क्लियर नहीं है। तो देखिये मगध में ही चंद्रगुप्त मौर्य से उनकी मुलाकात हुई। वो किसी राजवंश के नहीं थे, वो अपनी माँ के साथ रहा करते थे, उनकी माँ मतवा थी, लेकिन उनमें वो सारे गुण थे जो चाणक्य एक शासक में देख रहे थे या खोज रहे थे। कहा यह भी जाता है कि चाणक्य को कुछ लोगों ने बताया कि ये किसी राजवंश के ही हैं, लेकिन उनकी सत्ता साम्राज्य के समाप्त हो जाने की वजह से ये आम लोगों में रह रहे हैं। ठीक है, तो ये तो पहली बात ध्यान में रखिए कि जो मौर्य वंश है उसका ओरिजिन कौन सी जाति से है, कौन से राजवंश से है, ये कहीं पर भी क्लियर नहीं बताया है। खुद चाणक्य भी ये बताते हैं कि भाई ये किसी राजवंश से है, कौन सी जाति से है, ये चीज क्लियर नहीं। अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। कोई कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र थे, तो कोई कहता है वो क्षत्रिय थे, बौद्ध और जैन धर्म में उन्हें क्षत्रिय कहा। जबकि कई यूनानी लेखकों ने लिखा है, इवन रुद्राक्षर में अगर आप विषाद करके पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि ये शूद्र जाति के थे, ये अन्य जाति के थे। ठीक, तो ये राजवंश के थे कि नहीं थे, ये क्षत्रिय थे कि नहीं थे, ये चीज अभी तक विवाद का विषय है। बहरा वो आम लोगों में रह रहे थे, पर उनके जो भी गुण थे उन्हें परख कर चाणक्य को लगा कि यही योग्य व्यक्ति है। और उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को तक्षशिला ले लिया अपने साथ। वहां पे उन्हें हर प्रकार की ट्रेनिंग दी, राजनैतिक ट्रेनिंग दी, युद्ध की ट्रेनिंग दी, हर चीज की ट्रेनिंग दी, और उन्हें तैयार किया। उनका पूरा एक ग्रुप बनाया गया जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के सारे दोस्त भी शामिल थे। जब वो लोग अपनी पूरी ट्रेनिंग खत्म कर लिए और हर तरह की विधा में पूरी तरह से पारंगत हो गए, तो फिर धीरे धीरे करके उन्होंने आसपास की रियासतों के भ्रष्ट राजाओं के ऊपर आक्रमण करना शुरू किया। कहा जाता है कि ये जो चंद्रगुप्त मौर्य का गिरोह हुआ करता था वो छोटी छोटी डकैती किया करता था, राजवंशों में धन कलेक्ट करता था, और उसके जरिए फिर वो अपने आप को समृद्ध बना रहा था। और फिर जब तब ऐसा हो गया उनके पास कि वो आक्रमण कर सके, तो बड़े बड़े राजाओं पर आक्रमण करके उनकी सेना को भी अपने अधीन किया। धीरे धीरे करके चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी शक्ति, अपना साम्राज्य, अपनी सेना को बढ़ाया और फिर फाइनली आक्रमण किया धनानंद पर। धनानंद को पराजित किया, जैसे कि आप देख सकते हैं 322 BC चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरी तरह से चाणक्य के नक्शे कदम पर चलते हुए, चाणक्य के दिशा निर्देश को फॉलो करते हुए धनानंद पर आक्रमण किया और पराजित कर दिया। और वहां से फिर मौर्य वंश की स्थापना। ठीक,
आई होप आप वही पूरी चीजें समझ रहे हैं। इसमें जाने के का इम्पोर्टेंट रोल है। जल को मोहर तो आप कह सकते हैं कि एक मोहर थे जो वो पूरी तरह से चला रहे थे चाणक्य। मौर्य वंश की स्थापना के पीछे उसका दिमाग था वो चाणक्य का था। और चंद्रगुप्त मौर्य की अधिराज छवि, चंद्रगुप्त मौर्य की गुण, इस चीज को चाणक्य के जो भी प्लान्स थे उसको एग्जीक्यूट करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने काफी ज्यादा उनकी जो परेशानी थी उसने काफी ज्यादा हेल्प किया। ठीक, तो यहाँ पर आपने चाणक्य का एक पूरा पहलू देखा, धनानंद का पहलू देखा और सिकंदर का थोड़ा बहुत। अब सिकंदर का ये वाला जो पहलू आप जब सिकंदर पढ़ेंगे विदेशी वंश में तो थोड़ा सा आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इस पैटर्न को फिर से देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मौर्य वंश की स्थापना होती है और मौर्य वंश का प्रशासन किस तरह से होना चाहिए इसके ऊपर चाणक्य ने फिर अपनी किताब लिखी अर्थशास्त्र, जो कि भारत में राज व्यवस्था पर लिखी गई अब तक सबसे पहली, सबसे बृहद और सबसे महत्वपूर्ण किताब। और जब मौर्य ने उसी अर्थशास्त्र के हिसाब से ही अपने पूरे प्रशासन को गढ़ा, इसलिए जब हम मौर्य वंश को पढ़ते हैं तो इसका जो दूसरा पहलू है राजाओं के बारे में तो पढ़ेंगे, इसका जो दूसरा पहलू है प्रशासन वो भी बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो अर्थशास्त्र के हिसाब से गढ़ा गया। ठीक, तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अब हम मौर्य वंश के जो इम्पोर्टेंट शासक थे क्रम से उनको देखते हैं। तो सबसे पहले आप ये जितने शासक हैं इनके नाम और जो भी इम्पोर्टेंट शासकों के सामने टाइम पीरियड लिखा हुआ है उनको आप पहले याद कर लीजिए। ये प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। हिस्ट्री में आप जितने ढांचे के हिसाब से चलेंगे उतना आसान जाएगा। आप ऐसा बिखरे हुए इतिहास को पढ़ेंगे, कहीं से कुछ पढ़ लिया, कहीं से कुछ पढ़ लिया, दिमाग में कोई खाका नहीं खींचा, बस पढ़ते गए याद करते गए, तो फिर आप उसे याद नहीं रख पाए। याद रखने के लिए पहले एक बाहरी ढांचा दिमाग में खींचना जरूरत है कि आप क्या पढ़ने वाले हैं, एक तरह का आउटर स्केलेटन। तो वही चीज हर राजवंश की, पहले राजवंश के क्रम से सारे राजा को याद करिए, फिर एक एक राजा के बारे में चार चार पांच 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 इम्पोर्टेंट है वो पढ़ते चाहिए। ठीक, तो देखिए मौर्य वंशी शासकों में सबसे पहले थे चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व, दूसरे थे बिंदुसार 298 से 273, तीसरे थे अशोक 273 से 232। ये तीनों ही सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिनके बारे में आपको पढ़ना है। बाकी शासकों के केवल नाम याद रख लीजिए, कभी आपको नाम लिखने आ सकता है। अशोक के बाद कुणाल, कुणाल के बाद दशरथ, फिर शालिशुक, संपत्ति भी एक नाम आता है और आखिरी राजा थे बृहद्रथ। ठीक है, यहाँ पे अशोक के उत्तराधिकारी जो थे उनके नामों में थोड़ा सा अलग अलग आपको मन में देखिए विद्वानों के, कहीं कुणाल लिखा रहता है, कहीं लिखा रहता है कि कुछ हिस्से में कुणाल ने शासक किया, कुछ हिस्से में दशरथ ने किया। दशरथ के बाद संप्रति, शालिशुक और एक दो राजा के नाम कहीं आते हैं कहीं नहीं आते। तो बहरहाल आपको ये तीन और आखिर में बृहद्रथ था इतना याद रखना है। और ज्यादातर लोग कहते हैं कि अशोक के बाद जो कुणाल है उसी ने शासन संभाला। पहले क्रम से याद रखिए, अब हम एक एक करके हर राजा के अबाउट पढ़ते हैं। देखिए अभी मैं प्रशासन समाज को एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि इसका सेकंड जो लेक्चर है वो पूरी तरह से उसी पर आधारित है। तो सबसे पहले आप पढ़ते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, ये राजगद्दी पर कैसे आए पूरा भी हमने पढ़ लिया, इनके बारे में पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र की रखी। हमने पढ़ा था कि कालाशोक के समय, शिशुनाग वंश के समय वैशाली से कालाशोक ने पाटलिपुत्र राजधानी ट्रांसफर कर दिया। मैंने उसी समय आपको बताया था कि इसके बाद से हमेशा के लिए मगध की राजधानी पाटलिपुत्री रही, तो बस चंद्रगुप्त मौर्य के समय भी राजधानी पाटलिपुत्री। महामंत्री चाणक्य, इनके गुरु, इनके महामंत्री चाणक्य थे, मौर्य वंश की स्थापना इनके वही अनुसार, इनकी जाति अज्ञात थी। जैसे कि मैंने बताया कि मुद्रा राक्षस में इन्हें दिव्य जाति का कहा गया है, तो कुछ किताबों में, कुछ बौद्ध सुनने धर्मों में क्षत्रिय कहा गया और अब तक सही बात है। 305 ईसा पूर्व में सेलेकस नीरस के साथ हिंदुकुश पर्वत पर युद्ध। अब इसको समझिए, जब सिकंदर ने आक्रमण किया था तब धनानंद मगध का राजा था, लेकिन किसी कारणवश सिकंदर और धनानंद का युद्ध नहीं हो पाया। ठीक है, सिकंदर में इस चीज को पढ़ेंगे कि सिकंदर की सेना धनानंद की बड़ी सेना के वजह से वापस लौट गई थी, इस लड़की को मार नहीं करी और मगध और सिकंदर का कभी युद्ध नहीं। ठीक है, तो जब वो वापस लौट रही थी तो रास्ते में सिकंदर की मृत्यु हो गई और फिर यूनानी शासक के पद पर आया सेल्यूकस निकेटर, सिकंदर का उत्तराधिकारी बन गया। तो सेल्यूकस निकेटर फिर यूनान का शासक बन गया। इधर जो भी राजनीतिक बदलाव हुए उस हिसाब से धनानंद के बाद आ गए चंद्रगुप्त मौर्य।
तो ये वो समय है जब यूनान का शासक था सेलिकस मीडिएटर और भारत का शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो चाणक्य नीति समझी थी उस हिसाब से सबसे पहला कर्तव्य था साम्राज्य विस्तार। भारत को एक राजनीतिक एकीकरण के रूप में रखना चाहते थे चाणक्य, वो चाहते थे कि भारत का राजनीतिक एकीकरण हो, यही स्वप्न था उनका और यही स्वप्न उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को भी दिखाया था। तो बस राजनीतिक एकीकरण के लिए जरूरी था भारत का राजनीतिक मगध राजनीतिक विस्तार, अलग अलग एरियाज पर आक्रमण करना, उन्हें जीतना और एक जैसा प्रशासन पूरे इंडिया में। उसी नीति के तहत जब मौर्य ने उत्तर पश्चिमी सीमा में सेलिकस निकेटर के अंतर्गत तीन क्षेत्रों पर आक्रमण किया और उनके साथ एक युद्ध किया। तो याद रखिएगा 305 ईसा पूर्व में सेलिकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा के उस पार अफगानिस्तान वाला जो एरिया है, पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला एरिया है, उस एरिया के लिए एक युद्ध हुआ था जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य जीत गए और सेलिकस निकेटर जो है वो हार गए। ठीक है, तो याद रखें कि यूनानी शासक को चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया था। हिंदुकुश पर्वत जो आप जानते होंगे कि अफगानिस्तान वाली सीमा पर है, वहां पर ये युद्ध लड़ा गया था। उस एरिया पर मौर्य वंश जो है वो कब्जा करना चाह रहा था। ठीक है, और सेलिकस निकेटर इसमें हार गए। उस वजह से अराकोशिया, जेड्रोशिया, पेरोपोनेसिडाए ये तीन क्षेत्र जो उस समय उत्तर पश्चिम सीमा पर थे, ये मौर्य शासन में विलीन हो गए। अगर हम वर्तमान में देखें कि कौन से एरियाज थे, अराकोशिया मतलब कांधार, जेड्रोशिया मतलब बलूचिस्तान और पेरोपोनेसिडाए मतलब काबुल। तो कांधार, बलूचिस्तान और काबुल, अब आप समझ सकते हैं कि अफगानिस्तान और मध्य एशिया के हिस्से थे, सेलुकस के अंडर थे। ये तीनों ही जीत लिए चंद्रगुप्त मौर्य, मतलब जो युद्ध हुआ उसमें फाइनली पलड़ा मौर्य का भारी रहा। और जो संधि हुई युद्ध के बाद उसमें 500 हाथियों के बदले ये तीनों साम्राज्य के हिस्से सेलुकस को चंद्रगुप्त मौर्य को देना। चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी दिए और उनके चलने ये तीनों हिस्से मौर्य साम्राज्य को दिए। और इस वजह से पूरा एरिया जो आज का कांधार, काबुल, बलूचिस्तान है, पूरा मौर्य साम्राज्य में विलीन हो। इसलिए तो मैंने कहा ना कि सबसे बड़ा अगर भारत का अगर साम्राज्य था तो वही था। कहा जाता है कि उस समय की जो सीमाएं थी भारत के साम्राज्य की, वो तो आज के भारत की सीमाओं से भी ज्यादा। पूरा उत्तर पश्चिमी एरिया जो था, इवन साउथ तक ही इन्होंने कब्जा कर लिया था। तो मौर्य साम्राज्य की सीमाएं जो थी वर्तमान भारत की राजनीतिक सीमाओं से भी ज्यादा थी, और उसकी बड़ी वजह ये चीज थी। तो एक तो ये तीनों हिस्से भारत में शामिल हुए, दूसरा उस संधि के तहत दो चीजें और भी, दो करार और हुए। सेलिकस निकेटर ने अपने यूनानी राजदूत मेगस्थिनीस को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। ये वही मेगस्थिनीस हैं जिन्होंने भारत आकर के भारत के प्रशासन समाज के ऊपर अपनी एक किताब लिखी जिसका नाम है इंडिका। वही इंडिका जिस नाम से भारत का नाम इंडिया पर, वो यूनानी लोग थे जिन्होंने भारत को इंडिया नाम दिया। कहीं ना कहीं इसकी वजह इंडिका किताब। ठीक है, यूनानियों ने ही भारत को इंडिया कहा। और उसी किताब इंडिका में मेगस्थिनीस ने पूरे भारत के उस समय मौर्यकालीन शासन समाज के बारे में लिखाई है, जिसकी वजह से आज हमें इस कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त है। ठीक, तो मेगस्थिनीस को भारत राजदूत बनाकर भेजा गया इस संधि के तहत। दूसरा, सेलिकस निकेटर की बेटी थी क्वीन हेलेना, उनका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया। तो आप 305 ईसा पूर्व में हुए सेलिकस और मौर्य के बीच के इस युद्ध के तीन परिणाम याद रखें, एरकोशिया, जेड्रोशिया और पेरोपोनेसिडाए। अब उसका वो जो प्रोनाउंसिएशन है ना, वो थोड़ा सा टंग ट्विस्ट है, तो मैं हमेशा अलग बोलती हूँ उसको। पहला जो है वो यही है, मतलब कांधार, बलूचिस्तान और काबुल, ये वाला एरिया मर्ज हुआ हेलेना से विवाह चंद्रगुप्त मौर्य का और मेगस्थिनीस राजदूत का। ठीक है, ये हो गया है तो यूनानी कनेक्शन। और यहाँ से क्योंकि हेलेना का विवाह हुआ था, भारत और यूनान के बीच में कई तरह के मैत्री जो रिश्ते हैं वो स्थापित हो गए। विद्वानों का आना जाना, किताबों का लिखना, भारत में यूनान की संस्कृति के बारे में काफी कुछ पता चला, यूनान में भारतीय संस्कृति का काफी कुछ पता चला। तो ये जो आदान प्रदान था संस्कृतियों का वो यहाँ से शुरू। इसलिए इसके बाद का पूरा इतिहास आपको कई यूनानी शासक या यूनानी विद्वानों की किताब में भारत का मिलेगा, क्योंकि उन लोगों ने उस समय भारत।
भारत को स्टडी किया था। तो भारत का राजनीतिक एकीकरण हुआ जिसकी मैंने बताया वह हनुमान भारत। इसके अलावा आप चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ यूनानी विद्वानों ने उनको कुछ टाइटल दिए जैसे जस्टिन ने इनको सेंट्रो कोर्ट्स कहा है, ठीक है। उसके अलावा ब्लू कर्ट है, एक एपियानस है, उन्होंने इनको एंट्रो कोर्ट्स कहा। ये अलग अलग नाम है जो चंद्रगुप्त मौर्य को दिए गए। चंद्रगुप्त मौर्य ने गिरनार क्षेत्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। इनकी निर्माण कार्य मैंने कहा ना अबाउट पढ़ रही, इनके बारे में जो क्वेश्चन बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव में उसमें ये सारे फैक्ट्स आपको काम आएंगे। तो गिरनार वाला जो क्षेत्र है गुजरात में, वहां पे जो सुदर्शन झील है उसमें इन्होंने बनवाया। कहा जाता है कि एपीएनएस में लिखा हुआ है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना के साथ पूरे भारत को रौंद डाला। इस तरह से लिखा है, इन्होंने साम्राज्यवादी नीति के तहत भारत को अपने अधीन मगध के अधीन करने के तहत अपनी बड़ी सेना के तहत पूरे भारत पर आक्रमण किया। वहीं पर पता चलता है कि इनके पास 6 लाख की सेना। उसके बाद ये जो दूसरा वैभव आपका मौर्य का पढ़ना है वो है जैन धर्म को अपना। कहा जाता है कि जीवन के अंतिम वर्षों चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु के प्रभाव में आकर इसे दीक्षा लेकर जैन धर्म को अपना लिया और उसके बाद से अपना पूरा जीवन जो उन्होंने व्यतीत किया जैन धर्म के कहे अनुसार ही किया, जैन धर्म के हिसाब से किया। और उसी दौरान आपने जब जैन धर्म पढ़ा तो उसमें आपने पढ़ा था कि 322 ईसा पूर्व में उन्होंने प्रथम जैन संगति आयोजित करवाई थी, ठीक है। जैन धर्म को उन्होंने अपनाया था और जब वो शासन में आए थे तो उसी साल उन्होंने जैन संगति आयोजित करवाई थी पाटलिपुत्र में, आपने पढ़ा था, ठीक, पाटलिपुत्र में। और भद्रबाहु स्थूलभद्र के जरिए फिर दिगंबर श्वेतांबर अलग अलग संप्रदाय से बने थे, कुछ जैन साहित्यों का संकलन भी किया गया था, ठीक है। तो याद रखिए जैन संगति। और इन्होंने जैन धर्म पहले अपनाया था, जीवन के अंतिम वर्षों में इन्होंने जैन धर्म को स्ट्रिक्टली फॉलो करना शुरू किया था, याद रखें। और उसी में एक जो जैन धर्म का प्रिंसिपल है संलेखना, जिसके जरिए काया क्लेश का पालन किया जाता है, जो पढ़ रहे हैं ना जैन धर्म में कि अपने बॉडी को ज्यादा से ज्यादा तकलीफ अगर देंगे तो ज्यादा पुण्य प्राप्त होगा, तो उसी में संलेखना का मतलब होता है उपवास करके मृत्यु को प्राप्त करना। धीरे धीरे इंसान खाना पीना भी छोड़ दे जो कि उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, धीरे धीरे वो छोड़ दे और उसी की वजह से वो मर जाए तो उसे पुण्य की प्राप्ति होती, ऐसा कहीं ना कहीं जैन धर्म में माना जाता है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने यही किया, वो चले गए कर्नाटका, कर्नाटका में श्रवण मेला बोला नाम की एक जगह, वहां पर जाके उन्होंने संलेखना का पालन किया और धीरे से वहीं पर उनकी मृत्यु। और उसी जगह पर फिर वो देशभर की स्टैचू बने। इस स्टैचू का इम्पोर्टेंस ये है कि भारत में जो वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो अब भारत की सबसे ऊंची स्टैचू है, लेकिन उस स्टैचू से पहले भारत की सबसे ऊंची मूर्ति श्रवण मेला गोला में वह स्थान जहां पे चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्यागे थे, वहीं पर महावीर की एक रूप ओमकारेश्वर की ये मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से पहले तक भारत की सबसे ऊंची मूर्ति थी, ठीक है। तो इस पॉइंट और इस टूरिज्म के इस पॉइंट को आप हिस्ट्री के इस पॉइंट से लिंक करें, ठीक है। ओमकारेश्वर की प्रतिमा वही बनी है जहाँ चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्यागे, ठीक। So I hope आपको ये सारी बातें तो इतनी बातें पढ़ ली हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। अब हम पढ़ते हैं दूसरे राजा बिंदुसार। तो मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अगला इंपॉर्टेंट राजा था उसका बेटा बिंदुसार। बिंदुसार का रोल आप जैसे कि देख सकते हैं 298 BC से लेकर 273 BC के बीच में रहा, इसके बाद फिर अशोक आता है। तो बिंदुसार के रूल के बारे में आपको 3-4 इंपॉर्टेंट चीजें जाननी है। सबसे पहली बात तो इसका धर्म, आपने पढ़ा था कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जैन धर्म का अनुयायी था, लेकिन बिंदुसार जो है वो आजीवक संप्रदाय नाम का एक संप्रदाय उस समय अस्तित्व में आया था उसका अनुयायी था। देखिए इस समय हुए धार्मिक सुधार आंदोलनों में केवल बौद्ध धर्म और जैन धर्म नहीं थे, कुछ और भी धर्मों का, कुछ और भी संप्रदायों का उदय इस समय हुआ था और उन्हीं में से एक था आजीवक संप्रदाय, जिसके जो प्रतिपादक थे उनका नाम था मखली पुत्र घोषाल, ठीक है, नाम याद रखिएगा मखली पुत्र घोषाल। तो उनका ये एक संप्रदाय था, हेतुवाद पर ये संप्रदाय बिलीव करता है, बस उन्हीं को फॉलो करा करते थे बिंदुसार, ठीक। आपको इस चीज को मैं हाईलाइट करके इसलिए बता रही हूँ कि शुरू के जो तीन शासक हैं चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक, तीनों ही अलग अलग धर्म को मानने वाले थे,
अभी आपने पढ़ा कि मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय, और अशोक को आप जानते ही हैं कि बौद्ध धर्म का न्यायी था। तो कई बार एक ही पॉइंट है जो तीनों में अलग अलग है, तो कंपैरेटिव वे में से कई तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। हालांकि आजीवक संप्रदाय को बाद में बहुत ज्यादा प्रसिद्धि नहीं मिली, पर यह इसका न्यायी था। आप याद रखेंगे मकलीपुत्र घोषाल आजीवक संप्रदाय के प्रतिपादक, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद यूनान और भारत के बीच में सांस्कृतिक आदान प्रदान स्टार्ट हो गया था। तो भारत के राजाओं का बहुत सारा उल्लेख यूनानी राजाओं ने या यूनानी दार्शनिकों ने या साहित्यकारों ने किया है। तो बिंदुसार को भी यूनानी साहित्य में जगह मिली है और वहां के लोग इसे अमित्रोचेट्स कहा करते थे। यूनानी किताबों में बिंदुसार का नाम अमित्रोचेट्स और हिंदी में अमित्रघात बोला गया, मतलब उसको जब रीट्रांसलेट किया गया हिंदी में तो बोला गया अमित्रघात। अमित्रघात मतलब स्लेयर ऑफ फोर्स, यानी शत्रुओं को मारने वाला शत्रुहंता, अमित्रघात, ठीक है। तो याद रखना यूनानी नाम बिंदुसार का अमित्रोचेट्स। वायु पुराण में इन्हें मद्र सागर कहा गया है, जबकि जैन ग्रंथों में इन्हें सिंहसेन कहा गया। जाहिर सी बात है ये राजाओं ने वीर में धर्मी को शरण दी थी, तो उससे संबंधित जितनी किताबें हैं उनमें अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार सभी को लेकर आता है। तो बस उन्हें इनके क्या नाम दिए हैं ये दिखाया। इनके टाइम में आपको एक आजीवक संप्रदाय वाला पॉइंट इंपॉर्टेंटली याद रखना, और दूसरा ये कि इनके समय में भारत की दूसरे देशों के साथ मैत्री काफी बड़ी थी। दो इम्पोर्टेंट देश आपको याद रखना है जिन्होंने अपने राजदूत भारत भेजे थे इनके दरबार में भेजे थे, जिसकी वजह से भारतीय उस समय का तात्कालिक इतिहास कहीं ना कहीं विश्व में ख्याति प्राप्त कर चुका था। मतलब भारत और दूसरे देशों के बीच के कूटनीतिक संबंधों को अगर देखें तो बिंदुसार का काल इम्पोर्टेंट होता है। इन्हीं के समय में मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस ने डायनोसियस नाम का एक राजदूत इनके दरबार में भेजा था। डायनोसिस, ठीक है, डायनोसियस नाम का एक राजदूत भेजा था। तो आपको याद रखना है, पूछता है ना क्वेश्चन की बताइए बिंदुसार के दरबार में कौन मिस्र का राजदूत आया था, तो याद रखिए डायनोसियस किसने भेजा था, टॉलमी फिलाडेल्फस ने भेजा था। उसके अलावा सीरिया के राजा एंटियोकस ने भी टाइमेकस नाम का एक राजदूत इनके दरबार में भेजा था। तो डायनोसियस और टाइमेकस ये दोनों ही याद रखिए, राजाओं के नाम टॉलमी फिलाडेल्फस और एंटियोकस। तो जो मिस्र से आया था उसका नाम डायनोसियस, जो सीरिया से आया था उसका था डायमेकस। मिस्र के राजा का नाम टॉलमी फिलाडेल्फस, सीरिया के राजा का नाम एंटियोकस। एंटियोकस के बारे में ये भी आता है कि जब सीरिया और भारत के बीच में एक कूटनीतिक मित्रता हो रही थी, तब बिंदुसार ने एंटियोकस को, यानी कि सीरिया नरेश को, तीन चीजें मांगी थी, मीठी अंजीर, मदिरा और दाक्षिण। इन तीन चीजों की डिमांड की थी एंटियोकस से बिंदुसार। तो एंटियोकस ने मीठी अंजीर और मदिरा भिजवाई बिंदुसार के लिए और दार्शनिक नहीं भिजवाए, और उन्होंने एक नोट भेजा बिंदुसार को कि हमारे यहाँ दार्शनिकों का विक्रय नहीं होता है, हम दार्शनिकों को भेजते नहीं, इसलिए हम उन्हें नहीं भिजवा सकते। कहीं ना कहीं इतिहास में इस प्रसिद्ध का वाक्य का उल्लेख होता है, ठीक है। बहरहाल अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक संबंधों के लिहाज से ये काल बेहद इंपॉर्टेंट था, ना सिर्फ यूनान बल्कि मिस्र और सीरिया से भी हमारे कूटनीतिक संबंध स्थापित हुए थे। ये दोनों राजदूतों के नाम आपको याद रखना है, ठीक है। दैट इज इट, इतनी चीजें आपको इसके बारे में याद रखना है। इनके शासन काल में तक्षशिला में दो बार विद्रोह हुआ और कहीं ना कहीं ये तक्षशिला का विद्रोह ही अशोक के राजगद्दी पर बैठने का कारण बना। दरअसल बिंदुसार के दो बेटे थे, सुशीम, बड़ा बेटा, दो बेटे नहीं थे एक्चुअली, बौद्ध धर्म ग्रंथों के हिसाब से देखा जाए तो 100 बेटे थे, कुछ दूसरे इतिहासकारों के अनुसार 6-7 बेटे थे, ठीक है। बहरहाल बिंदुसार का जो बड़ा बेटा था उसका नाम था सुशीम, और उसका एक छोटा बेटा था जिसका नाम था अशोक। सुशीम जो है उसे तक्षशिला का गवर्नर बनाया गया था और अशोक को अवंती का गवर्नर बनाया गया, लेकिन तक्षशिला में हुए विद्रोह को सुशीम नहीं संभाल पाया, जिसे बाद में जब अशोक को भेजा गया तो अशोक ने वहां के विद्रोह को शांत कर लिया, और इतिहासकार यही कहते हैं कि उसी कारण बिंदुसार का उत्तराधिकारी सुशीम की जगह अशोक बना गया, ठीक। तो यहां से फिर आता है काल अशोक, ठीक है। तो याद रखिएगा, तक्षशिला का विद्रोह शांत करने के बाद अशोक को बनाया गया। कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है, अगर आप अशोक के राजगद्दी पर शासन पर आने की कहानियों को अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, अलग अलग ग्रंथ और किताबों के हिसाब से देखेंगे, तो उसमें बहुत सारी कहानी, जैसे कि
कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि इट वॉज नॉट सो ऑर्डिनरी, जो असेंबलमेंट हुआ वो इतना ऑर्डिनरी नहीं था। वह ऐसा था कि सुशीम बड़ा बेटा था बिंदुसार का, और बिंदुसार शुरू से सुशीम को ज्यादा पसंद किया करता था, और कहीं ना कहीं क्योंकि सुशीम बड़ा बेटा था तो इसमें नेचुरल हेयर सक्सेसर यानी कि जो वास्तविक उत्तराधिकारी हम मान सकते हैं वो सुशीम ही था। अशोक की जो माँ थी थम्या नाम था उनका, शुभद्रांगी नाम था उनका, वो ब्राह्मण कुल की थी। इस वजह से उस समय कुछ ऐसा रूल था कि ब्राह्मण कुल की अगर महिला है तो उनका पुत्र जो है वो राजा नहीं बन सकता, ऐसा कुछ रूल था। बहरहाल कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि जब अशोक का जन्म हुआ तब बिंदुसार बचपन से ही उसे नापसंद किया करता था, बचपन से अशोक से घृणा किया करता था। कहा जाता है कि अशोक बहुत क्रूर था। अब ये चीजें हास्यास्पद लगेंगी पर कई किताबें ऐसा कहती, खास तौर पर याद रखना मैं एम्फसाइज करके कह रही हूँ, बुद्धिस्ट धर्म ग्रंथों में ऐसा बहुत आया है, बुद्धिस्ट ग्रंथों में बहुत भिक्षुओं ने जो बहुत सारे उस समय के इतिहास के बारे में ग्रंथ किए उसमें, क्योंकि अशोक बहुत क्रूर था तो बिंदुसार बचपन से अशोक से घृणा करता था और एक तरह का भेदभाव करता था। सुशीम को ज्यादा प्रेफरेंस देता था, अशोक से हमेशा भेदभाव करता था, और इस वजह से एक तरह का इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स अशोक के मन में हमेशा से बचपन से रहा। सुशीम को ज्यादा प्रेफरेंस क्योंकि उसके पिता की ओर मिलता था, वो उसे मिलता था, तो अशोक जो है उस इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से धीरे धीरे एक बहुत बुरा इंसान बनकर बड़ा होना शुरू हो गया। कहा जाता है पिता से नेचुरल बिना कारण के मिल रही नफरत की वजह से अशोक जो है वो एक बहुत क्रूर व्यक्ति बनकर उभर गया। वो कई सारे ऐसे किस्से आते हैं जिसमें बताया जाता है कि कभी किसी ने उसके ऊपर टिप्पणी कर दी तो उसने उसको जलवा दिया, उनके दरबार की नाचने वाली जो नृत्यांगनाएं हैं उन्होंने नाचने से मना कर दी तो सबको एक साथ बनवा कर उसे जलवा दिया, ऐसा बहुत कुछ आता है। यानी उसकी बुराई बहुत बताई गई है शुरुआत में कि वो एक क्रूर व्यक्ति बनकर बड़ा हुआ क्योंकि पिता ने उस पर इग्नोर किया था बचपन से, और हमेशा से बिंदुसार चाहता था कि सुशीम राजा। लेकिन जब तक्षशिला का विद्रोह हुआ और सुशीम उसमें असफल रहा और जब अशोक को भेजा गया और वो सफल रहा तो कहीं ना कहीं पूरे राज्य में इस बात की गुहार लगने लगी कि सुशीम से अधिक जो काबिल है वो अशोक है, और इसीलिए अशोक को उत्तराधिकारी बनाया जाए। हालांकि ये गुण हर किसी ने पहले से ही देखा था। अगर हम सुशीम की बात करें तो वो एक आज्ञाकारी पुत्र जरूर था, पर युद्ध क्षेत्र की बात करें या राजनीतिक सूझबूझ की बात करें इन दोनों में ही अशोक सुशीम से बेहतर था। लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि अशोक आज्ञाकारी नहीं था, वो अपने पिता और उसके बीच में नहीं बनती थी, इसलिए सुशीम जो कि काफी आज्ञाकारी बेटा था उसे ही हमेशा बिंदुसार बनाना चाहता। लेकिन जो भी ये सारे सिचुएशंस में तक्षशिला के विद्रोह को अशोक ने दबाया तो बिंदुसार कहीं ना कहीं नैतिक रूप से बाध्य बन गया अशोक उत्तराधिकारी बनाने। कहा यह भी जाता है कि हालांकि बिंदुसार उसके बाद भी नहीं चाहता था कि अशोक उत्तराधिकारी बने, लोगों के बोलने के बावजूद ऐसा नहीं चाहता था। तो उसके बाद जब बिंदुसार मृत्युशैया पर था, जब मरने वाला था, तब उसके दोनों पुत्र वहां नहीं थे, उसने बुलावा भेजा राधागुप्त से। राधागुप्त चाणक्य के चेले थे, याद रखिएगा अशोक के समय में वही मंत्री थे, अशोक को बहुत प्रेफर किया करते थे। राधागुप्त से उन्होंने अपने बेटों को बुलवाने का एक कह सकते हैं कि बुलावा भेजा कि भी उनकी मृत्यु होने वाली है, वो मृत्युशैया पर है तो अपना उत्तराधिकारी घोषित करने वाले। तो राधागुप्त ने चालाकी दिखाते हुए सुशीम की जगह पर अशोक को बुलावा भेजवा दिया। अशोक आया जिसमें बिंदुसार काफी नाराज हुए कि सुशीम को नहीं बुलवाया गया है। लेकिन अशोक जब आया तो सभी ने कहा, खासतौर पर राधागुप्त ने कहा कि अशोक के समक्ष तो आप उसका राज्याभिषेक कर दीजिए और अपने उत्तरदायित्व को निभाइए। लेकिन बिंदुसार तब भी नहीं चाहता था, लेकिन अशोक ने फिर अपने से जाकर के वो राजमुकुट अपने सिर पर पहना और स्वयं भी अपना राज्याभिषेक कर दिया। कहा जाता है ये बात है 269 BC, ये तब की बात है। तो वहां से अशोक का राज्याभिषेक हो गया, उसके कुछ दिन बाद उस शोक में बिंदुसार की मृत्यु हो गई। जब सुशीम वापस लौटा तो उसने देखा कि एक तरह से विद्रोह होकर आंतरिक विद्रोह करके अशोक ने जबरदस्ती राजगति हासिल की है। सुशीम और अशोक के बीच में युद्ध हुआ, ना सिर्फ सुशीम बल्कि जितने उसके भाई थे, बौद्ध धर्मग्रंथ तो कहते हैं कि भी अशोक के 99 भाई और कुछ धर्मग्रंथ कहते हैं कि 6 भाई, सभी ने अशोक के खिलाफ युद्ध लड़ा क्योंकि सबका ये मानना था कि बिंदुसार उन्हें राजा नहीं बनाना चाहते थे और अशोक जबरदस्ती राजा बने। लेकिन अशोक इतना शक्तिशाली था कि उसने अपने सभी भाइयों की हत्या कर दी
बौद्ध धर्म कहते हैं कि अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी, ठीक। और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि अपने 6 भाइयों की हत्या कर दी, बस छोटा वाला जो भाई था उसको छोड़ दिया, ठीक। सभी की हत्या कर दी और फिर राजगद्दी पर अकेले काबिज हो गया। और ये बात है 273 ईसा पूर्व की। तो कुल मिलाकर के 269 से 273 के बीच में अशोक और उसके भाइयों के बीच में संघर्ष चलता रहा, और 273 में सारे दावेदार समाप्त हो गए, तो फिर अशोक एक लौता वारिस बनकर। तो यहां पर एक चीज को ध्यान में रखिए कि ये जितना अशोक का नेगेटिव पॉइंट बहुत ज्यादा बताया गया है वो बौद्ध धर्म ग्रंथों में इसलिए बताया गया है, याद रखिए कई इतिहासकार ये मानते हैं, इस वजह से इस पॉइंट को बताया, कई इतिहासकार ये मानते हैं कि अशोक का क्रूर होना, अशोक का कई लोगों को जलवाने का आदेश देना, अपने भाई से घृणा करना, जबरदस्ती राजगद्दी हासिल करना, 99 भाइयों को मारना, ये सब इसलिए बौद्ध धर्म ग्रंथों में बताया गया है ताकि ये बता पाए कि हृदय परिवर्तन की घटना से पहले अशोक कितना क्रूर था, और हृदय परिवर्तन के बाद जब उसने बौद्ध धर्म को अपनाया तो वो कितना बदल गया। तो कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म के प्रभाव से अशोक का एक अच्छा इंसान बनने के किस्से को हाईलाइट करने के लिए बौद्ध धर्म ग्रंथों में पहले की उसके व्यक्तित्व को बहुत नेगेटिव वे में प्रेजेंट किया है। हालांकि हम उन सभी चीजों को नकार नहीं सकते क्योंकि इतिहास किसी को एग्जैक्टली नहीं पता, हम तो सिर्फ किताबों के आधार पर ही बता सकते हैं कि क्या हुआ होगा। तो वो भी एक आधार है, वो धर्म ग्रंथ है, वो ग्रंथ जो इतिहास के पर लिखे गए हैं काफी ज्यादा स्पष्ट रूप से हम उसे भी इससे नकार नहीं सकते। इसलिए नॉर्मल हिस्ट्री की किताबों में आपको कई बार लिखा मिलेगा कि कहा जाता है कि उसे अपने 99 भाइयों को मार करके राजगद्दी हासिल की, ठीक। तो याद रखिएगा इस चीज को, हृदय परिवर्तन को हाईलाइट करने के लिए बहुत धर्म ग्रंथों में उसे पहले बहुत बुरा और बाद बहुत अच्छा इंसान बताया गया, ठीक। तो बहरहाल इतना तो है कि तक्षशिला का विद्रोह शांत करने के बाद जैसा भी हुआ हो अपने सभी भाइयों को समाप्त करने के बाद अशोक बन गया भारत का सम्राट। और प्राचीन कालीन इतिहास में अगर आप सम्राट बोलेंगे, बहुत बड़ा राजा जिसकी शक्ति जिसकी समृद्धि पूरे देश में व्याप्त थी, वो अशोक था, प्राचीन काल भारत का सबसे शक्तिशाली राजा, ठीक। तो 269 में पहले उसका राज्याभिषेक हुआ, पर वो राजा बनाए, राजगद्दी मिली, पर 273 से वो फाइनली इकलौता वारिस बनकर राज्याभिषेक के साथ अपने शासन काल को उसने प्रारंभ किया। और 273 से 232 ईसा पूर्व के बीच में अशोक का शासन रहा। कई सारी उपलब्धियां, कई सारी बातें इसके शासन के बारे में, पहले जो जो महत्वपूर्ण है उनको देख लेते हैं। 273 ईसा पूर्व में राजगद्दी, 269 में राज्याभिषेक हुआ था, ठीक है। मतलब 273 में उसका राज्य वो फाइनली उसका वारिस बन गया। महावंश के अनुसार 99 भाइयों को मारकर राजगद्दी पर बैठा। महावंश एक बुद्धिस्ट ग्रंथ है, इनकी माता का नाम सुभद्रा, सुभद्रा या धम्या था, पत्नी का नाम देवी और कारुवाकी, दो पत्नियां थी इनकी, देवी और कारुवाकी। इनके पुत्र थे महेंद्र और तीवर, एक पुत्री भी थी जिनका नाम है संघमित्रा, महेंद्र तीवर संघमित्रा। इनके मंत्री थे राधागुप्त जो कि चाणक्य के डिसाइपल थे, और राधागुप्त के बारे में याद रखना यही थे जो चाहते थे कि अशोक राजा बने, ठीक है। हालांकि स्वयं चाणक्य ने कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर अशोक तक के काल को गाइड किया था, उनकी मृत्यु जो है वो अशोक के समय में हुई थी और उसके बाद राधागुप्त ने उनको रिप्लेस कर लिया, ठीक है। इतनी बेसिक जानकारियों के बाद अब अशोक के शासनकाल के बारे में जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट घटना है वो एक कलिंग विजय। 261 ईसा पूर्व में भारत के कलिंग वाले क्षेत्र में, ओडिशा का जो वर्तमान क्षेत्र है, वहां पर आक्रमण किया अशोक अपनी उसी साम्राज्यवादी नीति के तहत उस एरिया को मिलाने के, ठीक। कलिंग विजय जो है उसके पहले उसने, याद रखिएगा, बहुत सारे आक्रमण किए थे, बहुत सारे क्षेत्रों को मिलाया था। अशोक अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ग्रंथ क्योंकि बहुत क्रूर था, जब सत्ता हासिल कर लिया तो क्योंकि उसकी युद्ध भूमि में ही उसने अपना जीवन व्यतीत किया था, तो उसे अपने शासन चलाने की सिर्फ एक ही नीति आती थी, युद्ध करो साम्राज्य में विलय करो। वो हर जगह केवल और केवल कोहराम मचाकर रखा, तो उसने चारों तरफ वो क्रूरता पूर्वक आक्रमण करता था, हराता था और साम्राज्य में विलय करता था। बहुत शक्तिशाली था, बहुत क्रूर था, तो दोनों ही चीजें, वो एक तरह की जुनून था उसके अंदर कि मैं जिसकी अपेक्षा हमेशा की गई, मैं उस अपेक्षा के लायक नहीं हूँ, अपने आप को साबित करना चाहता था। एक हमेशा उसके दिल में होड़ थी कि साबित करना चाहता था, हमेशा उसकी जो अपेक्षा उसके पिता द्वारा की गई उस वजह से वो युद्ध जीत करके वो अपने आप को साबित हर तरीके से करना चाहता था। और वही जुनून के साथ उसने शुरू में कोहराम मचाया, ब्लड शेड किया और कई सारे इलाकों को मिलाया। लेकिन
जब उसने कलिंग पर आक्रमण किया, तो याद रखना पहली बार तो ये पूछता है कि कलिंग पर आक्रमण क्यों किया। एक तो साम्राज्य में मिलाना साम्राज्यवादी नीति के तहत, दूसरा कलिंग का जो क्षेत्र है भारत के ओडिशा वाले क्षेत्र में यानी कि पूर्व के क्षेत्र में, वहां के जरिए वो दक्षिण एरिया में प्रवेश करना चाहता। दूसरा कलिंग के क्षेत्र में हाथियों की संख्या काफी ज्यादा है और आपको पता ही है कि हाथियों की जो सेना होती है वो सेना के सभी अंगों में सबसे शक्तिशाली मानी जाती है, तो वहां से वो हाथियों को भी प्राप्त करना चाहता था, इसलिए उसने कलिंग पर आक्रमण किया। तीसरा कहा जाता है कि कलिंग के जो भी उस समय के तात्कालिक राजा थे उनकी मृत्यु हो गई थी, उनके बिहाफ पर उनकी जो रानी है वो वहां पे रूल संभाल रही थी और इस वजह से कलिंग वाले क्षेत्र में अराजकता फैली हुई थी। प्रजा की भी ये गुहार थी कि उस क्षेत्र में इंटरफियरेंस किया जाए और वहां पे डकैती वगैरह भी काफी ज्यादा बढ़ गई थी, तो वहां की अराजकता कंट्रोल करने के लिए इसने कलिंग पर आक्रमण किया। ठीक है, ये सारे कारणों को बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और इसका युद्ध एक रानी से हुआ। उस रानी का वास्तविक नाम किसी भी किताब में नहीं मिला गया। हाँ, जब आप इस कलिंग विजय की घटना को पढ़ते हैं अशोक की, तो उस रानी का एक काल्पनिक नाम जरूर आता है जो ये पद्मावती, ये वो पद्मावती नहीं, अलाउद्दीन खिलजी पद्मावती नहीं, वो नहीं, ठीक है। लेकिन जब आप इतिहास की किताबों में देखेंगे तो वो रानी जिसके साथ अशोक का युद्ध हुआ था कलिंग के लिए, उसका रियल नेम इतिहासकारों को नहीं पता है, इसलिए काल्पनिक नाम दे दिया गया पद्मावती। बहरहाल कलिंग में अशोक की सेना और पद्मावती की सेना के बीच में युद्ध हुआ, बहुत खून खराबा हुआ, बहुत ज्यादा सैनिकों की मृत्यु हुई और अंततः क्योंकि अशोक की सेना काफी शक्तिशाली थी उन्होंने कलिंग को जीत लिया। कलिंग को जीत तो लिया, लेकिन जीतने के बाद जब अशोक ने निकल कर युद्धभूमि में चारों तरफ फैली लाशों को देखा तब उसके हृदय को धक्का। कहीं ना कहीं कहा जाता है कि ये वो क्षण था जब उसके अंदर का जो जुनून है, उसके अंदर का जो मद है, उसके अंदर का जो आक्रोश है, उसे एक बहुत बड़ी चुनौती उसके स्वयं की आत्मा ने, उसे लगने लगा कि मैंने जो चाहा हासिल कर लिया, राजगद्दी हासिल कर लिया, उन सभी भाइयों को मरवा, जिन जिन क्षेत्रों पर उंगली रखी गई मैंने अपनी शक्ति के जरिए सारे क्षेत्रों को बलपूर्वक हासिल कर लिया, लेकिन क्या जो आत्मसंतुष्टि में सबके जरिए पाना चाहता था क्या वो मैं पाया। बौद्ध धर्मग्रंथ कहते हैं कि कलिंग विजय के बाद उसके मन में काफी सारी ये विचारधाराएं चलने लगी कि क्या जो मैं कर रहा हूँ वो सही नहीं है, सिर्फ एक क्षेत्र को जीतने के लिए इतनी क्रूरता की क्या वाकई आवश्यकता है या नहीं, इस तरह की कई सवाल उसके मन में घूमने लगे। तो कलिंग विजय से कहीं ना कहीं उसका हृदय परिवर्तन होने लगा। उसके बाद जब अपने दरबार में गया तो कहा जाता है कि उसके मंत्रियों ने किसी एक बौद्ध भिक्षु को, एक छोटा लड़का था, उसे उसके सामने किसी गुनाह के कारण गिरफ्तार करके लाए। उस बौद्ध भिक्षु बच्चे का नाम था निग्रोध। तो अशोक ने पूछा क्या तुम्हें मृत्यु से, तुम्हें पनिशमेंट से डर नहीं लगता, तो निग्रोध ने बोला कि मैं इन सब चीजों से परे। और अशोक ने उसके चेहरे पर एक अजीब सी ही चमक देखी, एक अजीब सी शांति देखी, उसके पास ना तो पैसे थे ना खाने के लिए कुछ चीजें थी, ऊपर से उसे गिरफ्तार करके लाया गया था ठीक, मतलब कोई छोटे मोटे गुनाह के लिए, लेकिन उसे तो भय भी नहीं था पनिशमेंट। अशोक को लगने लगा कि मैं जिसने हर एक चीज अचीव कर लिया उसे भी कहीं ना कहीं बेचैनी है, कहीं ना कहीं अशांति का अनुभव है ठीक। तो वैसे बॉर्डर स्टॉप चल रहा था कलिंग विजय के बाद और वो जो निग्रोध है उसे किसी भी चीज की चिंता नहीं, पूरी तरह से चिंता से फ्री है और काफी संतुष्ट दिख रहा है। अशोक को लग रहा है कि हर चीज होने के बावजूद मैं असंतुष्ट हूं और व्यक्ति संतुष्ट। तो उसने पूछा निग्रोध से कि तुम कौन हो, तो निग्रोध ने कहा कि मैं सुशीम का बेटा हूँ, सुशीम अशोक का बड़ा भाई ठीक है। मैं एकदम क्लियरली डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि ये वाला जो किस्सा है बुद्धिस्ट ग्रंथों में दिया हुआ है, इसके ऊपर कई डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी हुई है, इस चीज को मैं क्लेम नहीं करती कि राइट है, इतिहासकारों के अलग अलग मत है कि निग्रोध सुशील का बेटा है, ऐसा भी कई जगह पर आया है ठीक। तो बहरहाल इस चीज को सुनकर कि निग्रोध सुशील का बेटा है अशोक काफी शॉक्ड हुआ। वो भाई जिसको उसने अपनी राजगद्दी हासिल करने के लिए मरवा दिया था, उसका बेटा कुछ भी नहीं है उसके पास, लेकिन तब भी वो से ज्यादा खुश है, अशोक से ज्यादा खुश है, ज्यादा संतुष्ट है।
इन सब चीजों के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन होता है और अशोक डिसाइड करता है कि वो भी बौद्ध धर्म अपनाएगा। तो निग्रोध के प्रभाव में आकर अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। अगला जो पाठ है अशोक और बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उसने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी करवाया। हृदय परिवर्तन के बाद निग्रोध के प्रभाव में बौद्ध धर्म उसने अपनाया और उसके गुरु जिन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा दी वो थे उपगुप्त और मोगली पुत्र तीस। इन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा अशोक को दी थी। इसके बाद अशोक ने ही तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन करवाया। आपने पढ़ा था, कब करवाया था? 251 ईसा पूर्व, है ना, 251 ईसा पूर्व में करवाया था पाटलिपुत्र ने। एक तो बौद्ध संगति का आयोजन करवाया, बौद्ध धर्म के क्षेत्र में इसके कार्यों को बता रही हूँ मैं। दूसरा धम्म नाम की एक आचार संहिता को जारी किया। आपने बौद्ध धर्म पढ़ा था तो उसमें धम्म शब्द को पढ़ा था। धम्म क्या था याद है? बुद्ध धम्म और संघ, मैंने त्रिगत बौद्ध धर्म के बताए, तो उसमें से धम्म क्या था? बौद्ध धर्म के जो रूल रेगुलेशन है, नियम कायदे कानून है, वही धम्म कहलाता। अशोक ने भी उसी कॉन्सेप्ट से प्रभावित होकर धम्म नामक एक आचार संहिता लागू की। हालांकि ये धर्म नहीं था, ना ही गौतम बुद्ध के धम्म की कोई कॉपी थी। मतलब ऐसा नहीं कि जो बौद्ध धर्म में धम्म है उसी को कॉपी करके अशोक ने अपना एक आचार संहिता लागू किया, नहीं, नाम वही रखा, कॉन्सेप्ट भी थोड़ा बहुत वही था, लेकिन ये आम प्रजा के कल्याण और उनके नैतिक उत्थान के लिए बनाई गई कुछ आचार संहिता थी। क्या कहा मैंने? आम प्रजा के कल्याण और नैतिक उत्थान के लिए बनाई गई आचार संहिता कि आम लोगों को किस तरह से जीवन व्यापन करना चाहिए। ब्राह्मणों का सम्मान करिए, बड़ों का सम्मान करिए, पशु बलि ना दीजिए, इस तरह की कुछ चीजें जो नैतिक रूप से मॉरल साइंस की चीजें जो लोगों को पालन करनी चाहिए, उसी को उसने धर्म के अंतर्गत कहीं ना कहीं उसका प्रचार करना, ठीक है। लेकिन उसके जो भी विचार थे धर्म के अंदर, जो नैतिक बात थी उसने कही, वो बौद्ध धर्म से प्रभावित थी, ठीक है। तो याद रखिएगा अशोक का धर्म कोई नया धर्म नहीं था, बौद्ध धर्म से प्रभावित ये शब्द था और बौद्ध धर्म से प्रभावित उसकी विचारधारा थी। हालांकि इसकी प्रवृत्ति धार्मिक ना होकर के आम लोगों के लिए नैतिक उत्थान की थी बस, ठीक। धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उसने बहुत सारे मंत्रियों की नियुक्ति की, जिसे उन्होंने धर्म महामात्य कहा। महामात्यों का काम ये होता था अशोक के सेट ऑफ रूल्स का प्रमोशन, ठीक है। उसके अलावा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने महामात्यों के अलावा अपने पुत्र और पुत्रियों को भी अलग अलग जगह भेजा। महिंद्र और संगीतना को श्रीलंका भेजा ताकि वो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर सके। तो कहीं ना कहीं दक्षिण भारत में श्रीलंका की तरफ बौद्ध धर्म के प्रचार का श्रेय अशोक को ही जाता, क्योंकि इसने अपने बच्चों को भी वहां पर भेजा था। कई स्तूप चैत्र विहार बनवाए। अभी आप जब मौर्य काल का सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे तब उसमें आप कला में पढ़ेंगे स्तूपों के बारे में। बौद्ध धर्म में आपको बताया था मैंने कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों को 8 हिस्सों में बांट करके उसपे स्तूप बनवाए। साथ ही साथ कई बौद्ध भिक्षु हैं जिनके ऐसे अवशेषों को अलग अलग स्तूप में रखा गया। तो भरूद का स्तूप, सांची का स्तूप, सांची का जो फेमस स्तूप है वो अशोक ने ही बनवाया। भरूद का स्तूप, तक्षशिला का स्तूप, धर्मराजिका का स्तूप, ये सारे स्तूपों का निर्माण अशोक ने करवाया, जिसे बौद्ध धर्म के प्रचार में काफी सहयोग है। मैंने कहा था कि बौद्ध धर्म इसलिए इम्पोर्टेंट है ज्यादा क्योंकि आप उसे एक तो गौतम बुद्ध के परिप्रेक्ष्य भी देखते हैं और अशोक के टाइम में पढ़ते हैं, इसलिए एग्जाम्पल ऑफ इट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चैत्य मतलब बुद्धिस्ट टेम्पल्स, जो मोनेस्ट्रीज होती है ना जहाँ पे बौद्ध धर्म की पूजा अर्चना होती है उसे चैत्य कहा जाता है, वो भी बनवाया। विहार मतलब बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक धर्मशाला टाइप की होती है, वो भी बनवाया। तो उसने बौद्ध धर्म के चैत्य विहार और कई सारे स्तूपों का निर्माण करवाया। और ना सिर्फ बौद्ध धर्म बल्कि उसके पिता जिस संप्रदाय को फॉलो करते थे आजीवक संप्रदाय, उसके अनुयायियों के लिए भी इसने कुछ कंस्ट्रक्शंस करवा। उड़ीसा में बाराबर की जो पहाड़ी है, याद रखिएगा उड़ीसा मतलब कलिंग वाला एरिया, कलिंग विजय के बाद उसका हृदय परिवर्तन जरूर हुआ पर इसका मतलब ये नहीं कि उसने कलिंग को वापस दे दिया। अशोक ने कलिंग वाले एरिया को मिला दिया था साम्राज्य में, ठीक है। तो वहां पर बाराबर की जो गुफाएं हैं वहां पर उसने जो आजीवन संप्रदाय के अनुयायी है
उनके लिए कुछ गुफाएं बनवाई थी जो कि एक नए तरह का आर्किटेक्चर था इनके समय। कर्ण, चौपाल, सुदामा, विश्व की झोपड़ी नाम की कुछ गुफाएं थी जो प्रारंभिक रूप से आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए बनाई गई थी, फिर बाद में बौद्ध भिक्षुओं ने उसका इस्तेमाल करना शुरू किया। तो ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है जो कि अशोक के बौद्ध धर्म से लिंक और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार से संबंधित याद रखनी, ठीक है। सो ये है अशोक और बौद्ध धर्म। आगे बढ़ते हैं, अशोक की अगली इंपॉर्टेंट चीज है अशोक के अभिलेख। संभवतः भारत का ये पहला राजा था जिसने अपने शासन काल की सभी महत्वपूर्ण बातों को अभिलेखों के माध्यम से प्रस्तुत किया, और कहीं ना कहीं हमें अशोक के बारे में जो जानकारियां हासिल है उसके पीछे भी अभिलेख ही है स्रोत के रूप। कहा जाता है कि ईरान के राजा डेरियस या दारा प्रथम से प्रभावित होकर अशोक ने अपने युद्ध और नीतियों के बारे में खुदवा करके अभिलेख लिखवाने शुरू किए, ठीक है। तो अभिलेख लिखवाने वाला प्रथम भारतीय राजा था ईरानी राजा डेरियस या दारा प्रथम से प्रभावित। अशोक के अभिलेखों की सर्वप्रथम खोज सन 1750 ईस्वी में हुई अंग्रेजी शासनकाल में चीफ वनथैलर नाम के एक आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हेड थे, उन्होंने इनकी अभिलेखों की खोज की थी कि अशोक अभिलेख लिखवाते। जबकि उन अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता जो मिली वो मिली जेम्स प्रिंसेप, याद रखना इनका नाम कई दफे पूछा जाता है। 1837 ईस्वी में पहली बार अशोक के लिखे अभिलेखों को पढ़ा जा सका, मतलब जो अभिलेख लिखवाए गए थे वो नॉर्मल देवनागरी हिंदी में नहीं थे, भाषा कुछ और थी, लिपि भी कुछ और थी। तो खोज तो लिया था इन्होंने, लेकिन पढ़ने में पहली बार सफलता हमें 1837 में मिली और जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार उनके अभिलेखों को डीकोड किया। तो आप ये जानना जरूरी है कि जो अभिलेख हैं उनकी भाषा और लिपि क्या थी। पहली बात तो याद रखिए, जो अभिलेख मिले वो तीन प्रकार के मिले। इन्होंने छोटे बड़े पत्थरों में खुदवा कर लिखाया, जिसको इन्होंने शिला लेख कहा। छोटे पत्थरों में खुदवाते थे उसे लघु शिला लेख, और जो बड़े पत्थरों में खुदवाते थे उसे वृहद या दीर्घ शिला लेख कहा करते थे। एक तो हो गया शिला लेख। दूसरा, अशोक ने कई सारे स्तंभ बनवाए हैं। आपने सारनाथ का स्तंभ तो सुना ही होगा, वन ऑफ हिज फेमस। बहुत सारे काष्ठ स्तंभ, मोनोलिथ, एक ही पत्थर से जो तराश के बनाए जाते हैं, इन्होंने कई सारे स्तंभ बनवाए और उसमें भी अभिलेख लिखवाए। तो दूसरे तरह का अभिलेख शिलालेख और स्तंभ लेख। और तीसरा, आपको अभी बताया मैंने, इनके समय में गुफाओं का आर्किटेक्चर शुरू हुआ, तो ये गुफाओं के अंदर भी अभिलेख खुदवाते थे। तीसरा, गुहा लेख। तो शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख, तीन प्रकार के अभिलेख इनके मिले हैं। जिसमें भाषा और लिपि की बात करें तो ज्यादातर भाषा आम जनों की पाली भाषा है। भारत में जितने इनके अभिलेख मिले सब पाली भाषा में मिले। हालांकि जो उत्तर पश्चिमी एरिया जो उस समय मौर्य वंश का हिस्सा था, पाकिस्तान, अफगानिस्तान वाले एरिया, वहां पे ग्रीक भाषाएं या वहां की जो लोकल भाषा है उसमें अभिलेख मिले, ठीक है। मतलब जिस एरिया में वो अभिलेख मिले उस एरिया की भाषा। भारत के जितने अभिलेख है वो पाली भाषा में। लिपि की बात करें तो भारत के सभी अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे हैं, जबकि पाकिस्तान के सभी जो अभिलेख है वो खरोष्ठी में लिखे हैं, और अफगानिस्तान से ऊपर ग्रीस से लगे हुए हिस्से में जो अभिलेख है वो अरमेक भाषा में लिखे हैं या अरमेक लिपि में लिखे हैं। कई जगह अरमेक को भाषा भी लिखा गया, लेकिन ये बोला गया कि ब्राह्मी लिपि के अभिलेख पाली भाषा में थे, खरोष्ठी लिपि के जो अभिलेख है और जो अरमेक लिपि के अभिलेख है ये यूनानी भाषा में थे, ठीक है। तो आपको याद रखना है भाषा और लिपि, भारत में पाली भाषा, ठीक है, बेसिक जानकारियां। अब हमें सीधा सीधा कुछ इनके शिला लेखों के बारे में बताती हूँ। कहा मैंने कि कुछ बड़े शिला लेख थे, कुछ छोटे शिला लेख थे। तो आपको याद रखना है इनके वृहद शिला लेखों के बारे में। इनके टोटल 14 वृहद शिला लेख थे जो 7 जगहों से मिले थे। याद रखना कितने थे, 14 वृहद शिला लेख। छोटे छोटे तो बहुत सारे थे, वृहद शिला लेख कुल 14 थे जो 7 जगहों से मिले थे। और वो कौन कौन सी 7 जगह है वो आपको यहाँ पर याद रखना है। कुछ इंडिया से मिले थे, कुछ पाकिस्तान से भी मिले थे। शाहबाजगढ़ी और मानसहरा, ये दोनों पाकिस्तान से मिले थे। कालसी उत्तराखंड से, गिरनार गुजरात से, एरगुड़ी आंध्र प्रदेश से, धौली उड़ीसा से, जौगढ़ उड़ीसा से, ठीक है, धौली और जौगढ़ दोनों उड़ीसा से। तो ये हो गए टोटल 7 जगह जहां से कुल कितने वृहद शिलालेख मिले,
14। अशोक ने इन 14 शिलालेखों में जो प्रथम शिलालेख है उसमें पशु बलि की निंदा की। उसके अलावा तीसरे शिलालेखों में अधिकारियों को हर 5वें वर्ष में यात्रा करने के लिए कहा गया। उसके अलावा जो 5वां शिलालेख है उसमें था महामात्यों का उल्लेख है। 7वां शिलालेख में तीर्थ यात्रा का उल्लेख है। उसके अलावा जो 13वां शिलालेख है, याद रखिएगा, 13वां शिलालेख में उन्होंने कलिंग विजय का वर्णन किया है, 13वां शिलालेख, ठीक है। और जो पृथक शिलालेख कलिंग से प्राप्त हुआ है उसमें उन्होंने प्रजा के प्रति पितृतुल्य भाव को प्रकट किया। उन्होंने उसमें कहा है कि सभी प्रजा जो है वो मेरे संतान के जैसे। ये पृथक शिलालेख में उन्होंने कहा कलिंग युद्ध का वर्णन, 13वें शिलालेख पर कलिंग से प्राप्त एक अलग से शिलालेख है जिसमें उन्होंने प्रजा के प्रति पितृतुल्य भाव प्रकट किया। याद रखिएगा, ये जो दिख रहा है आपको इसमें हाथी जैसा कुछ बना हुआ है, ये धौली है, ठीक है। धौली और जौगढ़ जो ओडिशा के हैं उसमें 11वां 12वां और 13वां शिलालेख नहीं मेंशन है ना, 11, 12, 13 वहां पे पृथक शिलालेख है, ठीक है। कलिंग से मैंने कहा ना कि पृथक शिलालेख मिले, तो 11वां 12वां 13वां यहाँ पे मेंशन नहीं है, वहां पे पृथक शिलालेख है जिसमें उन्होंने अपने प्रजा के लिए पितृतुल्य भाव को प्रकट किया, ठीक। तो पहले तीसरे पांचवे अगर आपके पास सोर्सेज हो और करना चाहें तो आपको जब डिटेल में लिखना आपको आता है तो आप इनमें से कहीं कहीं कौन से शिलालेख में क्या कहा है आपको लिख सकते हैं। हालांकि अगर पूछा जाएगा तो पहला तीसरा 13वां और पृथक शिलालेख ही पूछा जाएगा, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। एक्सप्लेनेटरी आंसर लिख रहे हैं और आप इन शिलालेखों के बारे में डिटेल लिख रहे हैं तो फिर आप लिख सकते हैं। तो ये तो बात हुई बृहद शिलालेखों की जो संख्या में कुल 14 है। उसके अलावा इनके कई सारे लघु शिलालेख मिले जैसे कि राजस्थान के बाबूगढ़ से, जैसे कि आंध्र प्रदेश के मास्की से, जैसे कि मध्य प्रदेश की गुर्जरा से, ठीक, जैसे कि बंगाल के महास्थान से, बहुत सारे इनकी शिलालेख। इनमें याद रखिएगा कि मास्की का जो कर्नाटका से मास्की का जो मिला है शिलालेख उसमें अशोक देव नाम प्रियम, अशोक देव नाम प्रियम, अशोक का ये वास्तविक नाम इसी अभिलेख से प्राप्त होता है। मास्की अभिलेख से ही अशोक देव नाम प्रियम, अशोक का जो अशोक के नाम को या अशोक के व्यक्तित्व को देवताओं से कंपेयर किया गया, तो ये वर्ड जो अशोक का नाम जिसमें को समझ में आता है वो मास्की अभिलेख से होता है। तो ऐसे लघु शिलालेखों का भी आप उल्लेख कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने 2-4 बताया, बाबूगढ़ राजस्थान में, गुर्जरा मध्य प्रदेश में, मास्की जहाँ से देवनाम प्रियम वर्ड निकल कर आता है ये कर्नाटका में, उसके अलावा एयरपोड़ी से भी लघु शिलालेख मिला है, महास्थान बंगाल यहाँ से भी मिला है, ठीक है। तो ये आपको 4-5 लघु शिलालेखों के बारे में पता होना चाहिए, बाकी बृहद शिलालेख यहाँ से इसमें सभी जगह से 14 मिले और धौली जौगढ़ में 11वां 12वां 13वां, ठीक है। तो ये तो होगी बात बृहद और ये अधिक शिलालेख की। अब बात आती है स्तंभ लेख की। तो अशोक ने, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे एकाश स्तंभों का निर्माण करवाया और उसमें उसने अभिलेख खुदवाए, कुल मिलाकर के इसके 7 स्तंभ लेख हुए जो 6 जगहों से प्राप्त हुए, ठीक है। अब वो कौन सी 6 जगह है? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए। हालांकि ये जो लिखवाया गया था ये अशोक ने कौशाम्बी में लिखवाया, बाद में जब प्राप्त हुआ तो ये इलाहाबाद से प्राप्त हुआ, ठीक है। तो इलाहाबाद या उत्तर प्रदेश से प्राप्त, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से, डोबरा दिल्ली हरियाणा, मेरठ दिल्ली उत्तर प्रदेश, लौरिया नंदगढ़ बिहार, लौरिया अरराज बिहार और रामपुर बिहार, ये वो जगह है इन स्पेसिफिक जहां से इसके 7 स्तंभ लेख प्राप्त हुए और ये स्टेट्स फिलहाल के जहां पे ये जगह स्थित है। तो आपको ये नाम याद रखें, इलाहाबाद, डोबरा दिल्ली, मेरठ दिल्ली, लौरिया नंदगढ़ और लौरिया अरराज और रामपुर का यहाँ से 7 स्तंभ लेख प्राप्त हुए। अशोक ने क्योंकि बौद्ध धर्म अपनाया था तो गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े जितने भी जगह थी, जितने भी प्लेसेस थी, उनका दौरा भी किया था। अशोक ने जब उनकी बर्थ प्लेस लुम्बिनी का दौरा किया तो वहां पर उन्होंने एक रुम्नी देई नाम का एक स्तंभ बनवाया, तो रुम्नी देई पिलर कहा जाता है उसे। उस रुम्नी देई पिलर से अशोक की अर्थव्यवस्था की भी काफी जानकारी मिलती है। और याद रखिएगा, अशोक, अगर ये आपसे पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के जन्म का सूचक कौन सी इमारत है, तो ये रुम्नी देई पिलर, उनकी जन्म स्थान पर ही ये रुम्नी देई पिलर इसने बनवाया था। ऐसे ही आपको अशोक के दूसरे कई सारे अभिलेखों में क्या कहा गया है, कहाँ अर्थव्यवस्था का वर्णन है, कहाँ समाज का वर्णन है, कहाँ किस चीज का वर्णन है, ऐसा लिखा रहता है। आप चाहें तो उसकी और डिटेल दे सकते हैं। इन स्तंभ लेखों में सबसे फेमस जो है वो सारनाथ का स्तंभ लेख है जिसमें लायन कैपिटल है, ठीक है, जहां से हमने अपना नेशनल एम्ब्लेम।
व्यक्ति इनके पूरे अभिलेखों में और स्तंभों की डिजाइन में बौद्ध धर्म का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखता है। आप अगर इस लायन कैपिटल में भी लायन को देखेंगे तो ये मौर्य वंश का सूचक था, और नीचे जितने जानवर आप देखते हैं वो कहीं ना कहीं गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी जो घटनाओं के सूचक आपने पढ़े थे, ठीक है, वो ही दिखते हैं। देखो इसमें चक्र है जो कि धर्म चक्र प्रवर्तन का निर्देश देता है। तो आपने याद है आपने गौतम बुद्ध की जीवन की घटनाओं से संबंधित अलग अलग चिन्हों को पढ़ा था, उनमें से ही कुछ आपको इसमें दिखते हैं। ठीक, तो आपको ये याद रखना ये है बृहद और दीर्घ स्तंभ। तो इतनी चीजें हैं जो अशोक के बारे में आपको पढ़नी है। हालांकि इसके साम्राज्य कला से संबंधित जो चीजें हैं जब अपन अलग से प्रशासन पढ़ेंगे समाज पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। ठीक, तो यहाँ खत्म होता है आज का आपका ये मौर्य वंश का चैप्टर। काफी बड़ा है क्योंकि इसमें दो बड़े बड़े राजाओं के बारे में देखिए, खासतौर पर अशोक को देखिए। अगला जो पार्ट होगा मौर्य वंश का उसमें हम प्रशासन समाज अर्थव्यवस्था और कला को देखेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो। सेकंड वाले पार्ट के बाद ही हम पूरे मौर्य वंश से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। थैंक यू सो मच।